शांत कितना है माहौल? कुत्ता इधर देखकर क्यों भौंक रहा? क्या है ऊपर? बिल्कुल अलर्ट हो गए, ये देखिए पूंछ खड़ी है। हम डर गए, हमने क्या हाथी की एक्टिविटी हो गई क्या यहाँ पर? मोर की स्ट्रेस कॉल, बहुत सुंदर है। एक वो आया सांभर निकल के, बाप रे, एक दौड़ता हुआ और आया। एक सांभर ये निकल कर आया है, तुम आसपास देखते रहो ये क्यों निकल निकल कर आ रहे हैं। ये देखिए मिल गया है काकड़, स्पॉटेड डियर देखें आप। अभी ले अंधेरे का आनंद, इंडियन स्मॉल सीवेट। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे वाइल्ड नाइट ड्राइव चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त अदीप और ये हमारे छोटे भाई फैसल। तो अभी हम हैं मरचुला के आसपास खड़े हुए कम से कम, तो हमारी जो जर्नी होगी घर तक की होगी, मतलब कोटाबाग। तो लगभग मरचुला से कोटाबाग की ओर जाएंगे हम, 65 से 70 किलोमीटर ये डिस्टेंस होने वाला है। इस बीच जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का और पावरगा कंजर्वेशन रिजर्व का, ये दोनों पड़ने वाले हैं जंगल। तो साथ साथ जंगल भी दिखाएंगे आपको, हाथों हाथ जो वाइल्ड लाइफ मिलेगी उसको भी कैप्चर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसमें सस्पेंस और थ्रिल हमेशा की तरह होने वाला है। तो वीडियो के साथ बने रहे और जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो जल्दी से कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूले। तो बढ़ते हैं आगे की ओर, अपने घर की ओर। चलिए, अभी फिलहाल हम रास्ते में जो वाइल्ड लाइफ होगी उसे कैप्चर करते हुए चलेंगे, जो सुंदर नज़ारे मिलेंगे उसको कैप्चर करेंगे। और मोहान से होते हुए जीरो पॉइंट पहुंचेंगे, जीरो पॉइंट पर देखेंगे कुछ एक्टिविटी है या नहीं, अदरवाइज हम सीधा अपना चलते रहेंगे और पहुंचेंगे अपने सीधे घर। ये देखिए फिर से पूरा घूम घाम के इस धूप की ओर आ गए हम। वाओ, चलो चलो। वो है काकड़ कैसा देख रहा हूँ, जरा सी मूवमेंट करूँगा ना भाग जाएगा। लाइट कितनी प्यारी पड़ रही है उस पर, पहचानने की कोशिश कर रहा है। और अभी हम मोहन भी नहीं पहुंचे, ये मरचुला रोड पर है। वाओ, शांत है, कुछ चलने लग गया, आगे आ रहा है, धीरे धीरे खाता जा रहा है। चबाने की आवाज सुने आप? ब्यूटीफुल, वाओ, रोशनी पड़ रही है इसके ऊपर, ब्यूटीफुल,
इसकी आईब्रो साइड देखें कैसी डार्क है। इतनी देर रुकता नहीं है, ये भाग जाता है। उसकी आईब्रो देखें जो डार्क कलर की, वो आंखें देखें। सच्चा शॉट नहीं मिलेगा। पार्किंग डियर की आवाज आ रही है अंदर से। बिल्कुल ही ऊंचाई पर है। वाओ, ये देखिए खूबसूरती इसकी, पूंछ उठाई इसने। डर गया। चला गया अंदर। अंदर इसका साथी भी एक और। चलिए बढ़ते आगे। कैसा लगा छोटे? बहुत प्यारा सीन था। आपने सुनी पार्किंग डियर की बात विद रनिंग शॉट? बिल्कुल ब्लर तो नहीं हुआ ना? बिल्कुल नहीं, आई लेवल पर था, जैसे हमारे छोटे भाई खड़े हुए। बिल्कुल ये ऊंचाई देखें आप। मैं यहाँ रोड से खड़े होकर वीडियो बना रहा था, उस पर जो धूप पड़ रही थी ना छोटे, आए हैं है, मजा आएगा। क्या नेचर है यार, मजा आ गया यार, गजब। कितनी सुंदर नदी है यार, ब्यूटीफुल। वो देखें, यहाँ अंधेरा लग रहा है लेकिन रोशनी बहुत है अभी। ये देखें अंधेरा, वो देखें रोशनी। अब पता लगेगा आपको। अब थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले हैं मोहान। फिलहाल ये टाइगर की टेरिटरी है, इसलिए सोचा यहाँ कैमरा ऑन कर लिया जाए और क्या पता कोई मूवमेंट मिल जाए देखने को। ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। ये सब कॉरिडोर हैं, ये जाने वाले रास्ते ही होते हैं जानवरों के। पानी पीने के लिए जाते हैं यहाँ से उधर के। से भी कॉरिडोर है। शांत कितना है माहौल, शांति होती है। और क्या, अभी हम रोड पर हैं, उस सीधे हाथ पर नदी की तरफ कुछ नहीं है, हमने चेक कर लिया। नदी है सीधे हाथ पर, अब बिल्कुल लगभग लेवल पर आ चुकी है नदी।
ऊपर से नीचे कुछ नहीं दिखेगा, जब ये बीच में से हट जाएगा कुछ तब देखने वाला है हमें। अब हम एक वाटर स्लाइड को क्रॉस कर रहे हैं और पहुंच रहे हैं मंजिल की ओर, मतलब मोहन की ओर। ये आ गया मोहन का गेट, ये चौकी आ गई है। वाओ सूरज ब्यूटीफुल, जस्ट अब सामने आ गया सूरज। कुत्ता इधर देखकर क्यों भौंक रहा? अरे डरा दिया इसने तो मुझे, डरा दिया। क्या है ऊपर? कुछ तो है। चल भाई चल, हाँ वही तो। और ये मैं आपको बता दूँ, ये रेंज जो है मंदाल रेंज है। भाई लोग एक ही है क्या भाई? गाड़ी से उतर कर पता नहीं क्या कर रहे हैं यहाँ। इसकी फोटो देता हूँ। ओके ये सांबर डियर एक और ये दो। हाँ सांबर यहाँ टहल रहे हैं। ये आ गया रोशनी में, ब्यूटीफुल। ऊंचे कितने हैं? ये बच्चा है पीछे वाला, वो ऊंचा है आगे वाला, तो उसकी माँ है। बड़ा कितना है यार? अलर्ट। लेकिन उनको ना कार के अंदर से ही बना लेते, पूरा उतर के उसके पास जाना सही मिला मेरे साथ। बिल्कुल अलर्ट हो गए। ये देखिए पूंछ खड़ी है और धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये साथ में बच्चा, वह पीछे। डर के चल रहा है, बिल्कुल अलर्ट हो गए। अब बच्चा आया, ये आया बच्चा। हमें देख रहा है, हमारे कपड़े ऐसे हैं बिल्कुल हरे, तो थोड़ा बेनिफिट रहता है जिससे जानवर डरे ना, क्योंकि हम नहीं चाहते कोई जानवर हमसे डरे। चलो 0 पॉइंट चलें। ये तो यहाँ है, देखते हैं वहाँ पर क्या प्रोसेस चल रही है। आज ही इस साइड घूम रहे हैं सांवड़िया। हर बार कहते हैं कि एक्टिविटी नहीं हो रही है, आज वहाँ दिखेगी। आज दिख गई, मैंने कहा था ना आज कुछ ना कुछ हिरन दिखेगा। यहाँ से तो कोई हिरन नहीं दिख रहा। शांत है माहौल। अब धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे हम 0 पॉइंट की ओर, देखते क्या एक्टिविटी वहाँ पर। अभी रोशनी है, तो अभी 0 पॉइंट पर कुछ पत्ते पड़े हुए दिखे और फेंकने वाले जनाब ये हैं, लंगूर साहब हमारे। हम डर गए, हमने कहा हाथी की एक्टिविटी हो गई क्या यहाँ पर, क्योंकि लकड़ी भी थी, छीलन भी थी। यह लंगूर साहब आराम से बैठे हुए और भी हैं, वो हैं। अब देखते हैं ग्रासलैंड में क्या है। देखिए तो यार, ये एक गए, एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक ग्रुप ये है।
एक सांभड़िया वो है, साथ ही सामने कुछ दूरी पर हमारे 1 2 3 मोर मोरनी। वाह ये निकल निकल गया, कहाँ है? एक हिरण का ग्रुप राइट हैंड साइड, एक लेफ्ट हैंड साइड। बाकी ये ग्रुप 6 हैं पूरे, 2 उधर गए, 8। मोर की स्ट्रेस कॉल, साथ ही सामने एक सांबर डियर, साथ में एक और बच्चा। वो 3 पेड़ दिख गए हमें, माँ और बच्चे के, वो भी सामर हिरन के, और साथ ही नीचे एक सुंदर मोर। सुंदर हिरन है बहुत, चीतल हिरन। सामने क्या देख रहा है देखता हूँ। ये भी चरने में लगे हैं, अभी सामर डियर का एक पेड़ देखा, माँ और बच्चे का एक ये है। माँ आगे आ गया, साथ में बच्चा, वो सीधे हाथ पर देख रहे हैं, 2 वो हैं माँ और बच्चा। वो देखो नदी क्रॉस कर रहा है। हाँ वो आया, 1 2 3 है। अरे वो एक मेल है, वो इधर वाला लेफ्ट वाला, ये तो बता रहा था मैं। ये नहीं, दो पेयर मतलब दो पहले थे, ये मेल आया अभी उतर के। मेल आया, वही तो बता रहा था मैं, बड़ा है। हाँ ये लेफ्ट हैंड में जो है, पूरा क्रॉस करेंगे, बड़ा मजा आएगा देखने में। हाँ मूवमेंट होगा दादा, इन्होंने क्रॉस कर दिया तो एक लाइक इनके क्रॉस करने पर। बिल्कुल आ रहा है, मेल है, बहुत दूर है। एक वो आया सांभर निकल के, बाप रे मेल है ना, सींग दिख रहे हैं मुझे। बहुत दूर है, उसके आसपास देखते रहना। दो स्पॉटेड डियर यहाँ है, 3 है। मोर देखें आप कितने सुंदर लग रहे हैं, 3 मोर हैं। एक सांभड़िया निकल कर आया, एक और है वो पीछे दिख गया मुझे, वो पीछे आ रहा। एक एक करके निकल रहे हैं, एक दौड़ दबाव और आया। एक्टिविटी देखो छोटे, क्यों आ रहे हैं दौड़ दौड़ के? हाँ देख रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ वहीं आ रहा हूँ, भैया मूवमेंट निकल जाएगा वरना चलते हुए। और देखता हूँ और कोई तो नहीं निकल रहा, ये पीछे वाला अलर्ट है क्या? ये पत्ती खा रहा, ये छोटा है सामाड़ी का, थोड़ा एक आगे जा रहा है।
ऐसे खुले में कितने खूबसूरत लग रहे हैं। एक वो है, दो यहाँ, इन्हीं के आसपास एक मेल सांभर, वो दौड़ा। ये बच्चा लग रहा है शायद, छोटा भी है तो बच्चा ही हो गया उसका, तभी माँ के पीछे पीछे आ रहा है। तो फाइनली पानी में उतर ही गया ये मेल सांभर। तो छोटे ने बोला था कि जब ये क्रॉस करे तो उसके लिए एक लाइक ज़रूर बनता है। अभी छोटा वाला बच्चा जा रहा है, मेल वाला बहुत ज़्यादा बड़ा है, वो भी क्रॉस करेगा तो आप लाइक का बटन दबा दीजिएगा। नज़ारे थोड़े दूर हैं लेकिन सुंदर हैं। काफ़ी बड़ा है, दूर से दिख रहा है इतना। वाह, अब करेगा क्रॉस शायद ही, ये किया करो। अब दबा दें लाइक बटन। एक स्पॉटेड डियर तो यहीं है, कैसे खा रहा है देखिए, चल रहा है आराम से। एक और आया सांभर डियर, अंदर से निकल गया। एक सांभर ये निकल कर आया है, तुम आसपास देखते रहो ये क्यों निकल निकल कर आ रहे हैं। भले इनकी अलर्ट कॉल नहीं सुनी हमने अभी, लगता है हम लेट हो गए हों। चिड़ियों की आवाज़ है, सुनो ग्रुप में बोल रही हैं। लग रहा है निकलेगा फिर से। अरे सॉरी, कहाँ गया वो सांभर? सॉरी, हाँ ये है, दो हैं, तो एक और आ गया। हाँ एक और आ गया, मैं कह रहा हूँ देखते रहो, मैं कैमरे में देख रहा हूँ ना, जहाँ बर्ड्स बोल रही है ना वहाँ देखते रहो, राइट हैंड साइड बोल रही हैं सांभर डियर, वहाँ से ज़्यादा बड़े बड़े निकल कर आए हैं। बड़े सांभर को ही सबसे ज़्यादा खतरा रहता है टाइगर से, लेकिन पकड़ेगा तो आसान शिकार हो पहले, वो पहले बच्चे पर निगाह रखेगा ताकि आसानी से हाथ में आ जाए। ये कैसा खेल रहा है, वाओ ये भी बच्चा है। सब बच्चे ज़्यादातर आपको दिखाए हमने आज, है ना? राइट हैंड वाले सांभर डियर को देखते रहना। हाँ मैं थोड़ी इनकी एक्टिविटी ले लूँ। स्पॉटेड डियर तो बिल्कुल शांत चल रहे हैं। राइट हैंड से आवाज़ किसकी आई अभी? हल्की सी आई थी ना, मुझे भी लग रहा, लेकिन अभी पहचानना मुश्किल है। दो स्पॉटेड डियर ये है, इसको देखें आप कितना खूबसूरत लग रहा है। हरियाली इसके पीछे है ना, तो इसका कलर थोड़ा निखर कर आ रहा है। वाह, शाम के इसी सुंदर नज़ारे के साथ ये निकलता हुआ धुआं और ये शांत जंगल, सुंदर नज़ारा। और नीचे ये घूमते हिरन, कुछ स्पॉटेड डियर वहाँ हैं, वो मेल सांभर डियर वो दूर, वो कितना बड़ा है ये भी, तीन चार कम से कम मेल दिख गए हमें आज, है ना? वाह, जल्दी मेल दिखता नहीं। हाँ अंदर ही रहते हैं ना ये, अभी सीजन चल रहा है इनका थोड़ा तो दिख रहे हैं, फिर अकेले हो जाएंगे दलदली इलाके अपने। ये जो बर्ड देख रहे हैं आप,
काफ़ी दूर है, समझ नहीं आ रही कौन सी बर्ड है, क्या पता वैक्टेल हो, लेकिन इसकी लंबी पूंछ नहीं है शायद, तो कोई और सी बर्ड हो सकती है। लेकिन पानी के बीच में शायद ये कीड़े खा रही है। एक ये बर्ड देखें आप, गई सामर डियर, स्पॉटेड डियर दोनों एक साथ। तो कोई अलर्ट कॉल या अलार्म कॉल तो नहीं दी किसी हिरन ने, और कोई एक्टिविटी ज़्यादा नहीं हुई, सुकून से अपना हंसते खेलते परिवार यहाँ चल रहे हैं और पानी पी रहे हैं। तो निकलते हैं थोड़ा आगे की ओर। तो 0 पॉइंट से हम निकल गए हैं आगे की ओर, काफ़ी देर थोड़ा सा वेट किया हमने, लेकिन वाइल्ड लाइफ दिखी, बहुत ज़्यादा दिखी ऐसा नहीं है। और तो हर वक्त वाइल्ड लाइफ भी मिले ये भी ज़रूरी नहीं, और हर वक्त टाइगर मिले ये तो बिल्कुल सोचने की जरूरत भी नहीं है, वो तो बहुत मुश्किल से मिलता है, हमें इतने टाइम में मिला सोचिए। ओके ये देखिए मिल गया है काकड़, मैंने बोला ना कभी भी कुछ भी मिल जाता है, चला गया है तो अभी। ये शाम के समय मिला है काकड़, ये देखिए शाम में इसका कलर देखिए, और जो धूप पड़ रही थी इसके ऊपर तब, वहाँ कहाँ मरचुलावाली रोड पर, तब सुकून से चल रहा है, वाह चलिए चला गया। तो आज भी काफ़ी वाइल्ड लाइफ की साइटिंग हुई, तो 0 पॉइंट पर नहीं मिला टाइगर तो क्या हुआ, क्या पता यहाँ घूम रहा हो, टेरिटरी उसकी बहुत बड़ी है, ह्यूज टाइगर है, टेरिटरी में घुसने की हिम्मत इतनी जल्दी कोई टाइगर नहीं करेगा। हम पहुँच गए धनगढ़ी नाले के पास, पहले इस बसते हैं इससे धूल से। यह है धनगढ़ी नाला, यही है टाइगर की एक्टिविटी आजकल, अभी फ़िलहाल शांति है, कभी यहाँ घूमता नज़र आता तो कभी यहाँ, और जहाँ हमने दिखाया था, और जो नए हमारे सब्सक्राइबर हैं या जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल पेज पर जाकर बिल्कुल फ्रंट पर ही आपको टाइगर की वीडियो देखने को मिल जाएगी, हमने दिखाया है। फ़िलहाल हम पहुंच गए हैं धनगढ़ी गेट पर, जी हाँ यह है धनगढ़ी गेट जो कि फ़िलहाल अभी है बंद। ढिकाला 31 किलोमीटर अंदर है इस गेट से जाकर। ओह माय गॉड ऐसी रहना, स्पॉटेड डियर देखें आप, पूरा झुंड, सुंदर झुंड एक साथ अंदर की ओर हो गया, ये गए अंदर। चलो अभी हम स्पॉटेड डियर की वीडियो बना रहे थे तो उल्टे हाथ की ओर एक काकड़ और था, लेकिन वो दूर था बहुत। स्पॉटेड डियर अंदर है, यहाँ पर है, सामने घूम रहे हैं, मैं दिखाता हूँ जूम करके आपको, है ना, चलते रहो जी, दिख गए, वाह झुंड है पूरा, यहाँ देखते हैं यहाँ क्या एक्टिविटी है। यहाँ सुनसान है, इसका मतलब सारे हिरण इस क्षेत्र के उस क्षेत्र की ओर गए हुए हैं, मतलब कोसी से जो है पानी पीकर ऊपर को आ गए होंगे। लाल पत्ते ऐसे लग रहे हैं, कोई कोई उल्टे ना काकड़ो,
कॉरिडोर का इलाका पूरा, मतलब यहाँ से कॉरिडोर है अंदर। बहुत पहले हाथी मिला था, उसके बाद हाथी के दर्शन नहीं हुए यहाँ। और सामर डियर के ग्रुप के हमेशा दर्शन होते इस क्षेत्र में, एरिया है। फिलहाल आज इस क्षेत्र में नहीं है, यहाँ से जाता है टाइगर, समझ लीजिए टाइगर भी और सारे जानवर। कॉरिडोर एक मैं आपको दिखाता हूँ, ये है जिसे खोद दिया गया है ताकि कोई अंदर ना जाए गाड़ी लेकर। अब धीरे धीरे अंधेरा होने वाला है। उल्टे हाथ पर भी वो वहाँ हिरन स्पॉटेड डियर का ग्रुप है पूरा। एक तो जस्ट अपोजिट हो गए हम, क्योंकि सूरज उस ओर छिपा है, तो जिस क्षेत्र की ओर कैमरा था अभी वहाँ हुआ थोड़ा सा डार्क। लेफ्ट हैंड पे भी दो चार स्पॉटेड डियर और थे अभी। देखिए वीडियो लंबी होती है, लेकिन अगर शुरू से लेकर आखिर तक देखे ना इंसान तो मज़ा आ जाएगा उसे, क्योंकि हम पूरी कोशिश करते हैं कि वाइल्ड लाइफ को अच्छे से कैप्चर कर सकें और उसकी एक्टिविटी बता सकें और आपको जंगल ये घुमा सके। रोड क्रॉस करता हुआ पीकॉक, देखिए गाड़ी रोक ली, अच्छा हुआ। कहाँ गए? चला गया, चला। वाओ मेल है। अभी आपको दिखाया हमने एक सड़क पार करता मोर और कुछ हिरन, तो ट्रक के हॉर्न की वजह से मैं कुछ बोल नहीं पाया, इतना तेज हॉर्न था। तो उस पर एक छोटा सा म्यूजिक लगा देंगे हम, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन नज़ारा सुंदर था, तो आज बहुत ज्यादा वाइल्ड लाइफ जो होते ना साइटिंग हुई है, वाइल्ड लाइफ की बहुत ज्यादा साइटिंग हुई आज। अभी भी जंगल बाकी है, अभी हमने क्रॉस किया है गर्जिया गेट, जी हाँ, लगभग दुर्गा देवी गेट और मोहन को, लगभग दुर्गा देवी गेट और मरचुला के बीच से हमने सफ़र शुरू किया था। पहुँचे मोहन, मोहन से पहुँचे जीरो पॉइंट में काफ़ी देर रुके और वाइल्ड लाइफ हमने देखी काफ़ी देर, अच्छे से साइटिंग हुई उसकी। उसके बाद कुछ दूरी पर निकले हम, पहुँचे धनगढ़ी, धनगढ़ी पर कोई एक्टिविटी नहीं थी, सिर्फ एक मोर था। और फिर धनगढ़ी गेट के पास, धनगढ़ी नाले के पास मोड़ था, धनगढ़ी गेट के पास मिले स्पॉटेड डियर का ग्रुप, तो बहुत सारे हिरन मिले वहाँ भी देखने को। उल्टे हाथ पर बहुत सारे हिरन चर रहे थे, मतलब मज़ा आ गया जी। अभी ले अंधेरे का आनंद, वो भी इस सड़क पर। रोड देखें आप, यह है पैराशूट, यह कह लें एयर बैलून, बिग साइज हॉट एयर बैलून बोलेंगे, सॉरी दिमाग में नाम नहीं आ रहा था मेरे, कोई बात नहीं गलती हो जाती है इंसान से। कितना बड़ा है, है बैलून जैसा, खुद ही खुद में ही सिनेमैटिक बना हुआ है ना, गजब यार। धीरे धीरे सूरज की तरह डूबता हुआ। यह है अभी हम ढिकुली में हैं, तो ये सब एडवेंचर यहाँ पर होते रहते हैं जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए। चलो आगे चलते हैं। तो ढिकुली से निकलकर हम पहुँच चुके हैं रिंगोरा के जंगल में। आप देख सकते हैं ये सुंदर सा बैंड, और हम पहुंच गए हैं आम डंडा गेट। थोड़ी देर में रामनगर पहुंच जाएंगे।
तो हम पहुंच गए बैलपड़ाव रेंज। तो देखते हैं अब इस जंगल के बीच में क्या मिलने वाला है। लास्ट टाइम रात में हमें वही तो मिला था ना, इंडियन स्मॉल सीवेट कस्तूरी बिलाव। सुनसान सड़क, ये वो जंगल है जिसे मैं सांपों का जंगल कहता हूँ, लेकिन मिल बहुत कुछ जाता है। देख कर चलना बैंड पर, ये एकदम से खड़े रहते हैं हाथियाँ। बिल्कुल सीधी सड़क है, बिल्कुल सीधी, डार्क जंगल है इस वक्त क्योंकि आसमान में चांद भी नहीं दिख रहा। वाओ, जितनी टहनियां गिरी है ना ये सब याद आती रहेगी बार बार कि कुछ हाथी थे वो, है ना। अभी धीरे धीरे सूख कर मिट्टी में मिल जाएंगी, है टाइम लगेगा इनको, इनके प्रोसेस में टाइम लगेगा। तो अभी तो सूखी है ये टहनियां, धीरे धीरे और सूखेंगी फिर जाके जमीन में मिल जाएंगी और खाद बन जाएंगी अपने आप। और बैलपड़ाव रेंज क्रॉस की, पावलगढ़ का जंगल क्रॉस किया, अब ये देचौरी की रेंज भी हमने क्रॉस कर ली है। अब बस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे हम अपने घर।